शानदार फ्लैट है, और ऊपर इससे ऊपर देखिए फैंसी लाइट्स लगी हुई है, कितना सुंदर फैन लगा हुआ, कितनी सुंदर लाइट्स लगी हुई है, सारा कुछ इंक्लूड है इसमें, देख सकते हैं इंक्लूडेड है ये सब। डैश वॉल वार्डरोब है, देखिए कितनी सुंदर आजकल के हिसाब से वार्डरोब बनवाई है, अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लोन हमारा आराम से इजिली अवेलेबल है, जो की अप टू 90% आपको मिल जाता है। बालकनी में जाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे एक जाली का दरवाजा भी लगा रखा है। दोस्तों डीएलएफ अंकुर विहार की सोसाइटी में आज फिर से आपको एक फ्लैट दिखाने लाए, इस बार 2 BHK की फ्लैट दिखाएंगे। फ्लैट का एलिवेशन देख सकते हैं काफी शानदार होगा, और नीचे की रोड देख सकते हैं 40 फीट का पूरा रोड मिलेगा। बिल्डिंग के अंदर बाइक पार्क कर सकते हैं, बाकी कार अगर पार्क करना है तो आप आगे फ्रंट पे रोड पे कर सकते हैं। ये देखिए पूरी बाइक की पार्किंग दे रखे हैं। तो ऊपर लेके आगे देखिए फ्लैट यहाँ पे रहने वाला है मैम हमारे साथ। तो मैम कौन सा फ्लैट आज दिखाने वाले हैं? आज हम आपको दिखाने लगे हैं 2 BHK सुपर लग्जरी। ठीक है, तो ये सामने वाला फ्लैट रहेगा, ठीक है, इतने कम दाम में। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मैम का खुद का फ्लैट होता है, तो कोई आपको अलग से जो ब्रोकरेज देना पड़ता है ना वो नहीं देना पड़ेगा। और ऊपर का फ्रंट का लुक देखें ना, फ्लैट के एंट्रेंस का पैसा रहने वाला है। यहाँ पर ऊपर हमने वुडन वर्क करा है जिसके अंदर लाइट लगी हुई है, ऊपर फॉल सीलिंग को रखी है जो हमारी फोकस लाइट है, और पूरे वॉल पे हमारे यहाँ पे टेक्सचर पेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए टेक्सचर पेंट है। तो एंट्रेंस करते हैं यहाँ से। दरवाजा का क्या साइज है, ऐसे कितने फीट का रहता है अपना? 3.5x7 फुट का, 3.5x7 का दरवाजा रहेगा यहाँ से एंट्रेंस। यहाँ पे दरवाजा कितना सुंदर दरवाजा है ये हमारा, ये हमने सिल्वर लाइन की ग्रूविंग करा रखी है पूरे दरवाजे पे। पैनल लॉक है हमारे पास, यहाँ पे देखिए आप कितने सुंदर लॉक दे रखे हैं। ठीक है, अब एंट्रेंस करते हैं, अंदर लेके चलते हैं आपको फ्लैट में। ये देखिए यहाँ से रहेगा एंट्रेंस, लाइट लगी हुई है बहुत सुंदर से, ये हमारे किचन में हमारे टांगने के लिए आते ही आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, और टेक्सचर पेंट दे रखे हैं ना, ऊपर भी देखिए काफी अच्छे से लाइटिंग दे रखी है। लाइट लगी हुई है, ठीक है, और जैसे ही आप ऐसे एंटर करेंगे आप देखिए राइट साइड पे हमारा स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड पे आप देखिए यहाँ पे एक लाइट लगी स्विच लगा हुआ है बेल का, ठीक है, कि ये हमारा ऑटोमेटिक लॉक का स्विच है। अच्छा, जैसे ही आपके आपका कोई रिलेटिव आता है, आपके घर से कोई आता है, नीचे से अगर कोई बेल मारता है और आप यहाँ से अगर बेल को ऑन करेंगे तो नीचे से लॉक खुल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक लॉक है। ठीक है, सबसे पहले अपने कंपनी का नाम बता दे एक बार। मैं गुरमन ब्रदर्स की टीम से आई हूँ और मेरा नाम है रूपसी। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं मैम फ्लैट के? हमारे पास 70 के फ्लैट्स के ऑप्शन हैं। पहला 1 BHK का फ्लैट है, जो कि 9 से 14 लाख के बीच में है, ठीक है, और 2 BHK फ्लैट हमारा 14 लाख से 25 लाख तक का है, ठीक है, और जो हमारा 3 BHK फ्लैट है वो 28 से हमारा 38 लाख के बीच में, ठीक है, मतलब 1, 2, 3 कोई भी आपको फ्लैट चाहिए सारा ऑप्शन अवेलेबल होगा इनके पास, आपको जो भी फ्लैट चाहिए आप विजिट कर सकते हैं इनके। मैम लोन फैसिलिटी के बारे में बताएं, यहाँ पे लोन है अवेलेबल होगा? हाँ जी, यहाँ पे लोन हमारा आराम से इजीली अवेलेबल है, जो कि अप टू 90% आपको मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, और जिसमें जैसे अगर आपको ये फ्लैट अगर आपको पसंद आता है तो हम 21,000 टोकन मनी लेके आपका ये फ्लैट बुक कर सकते हैं, जिसके बाद हम आपके पेपर्स जो है लोन के लिए लगा देंगे, और जैसे ही आपका लोन अप्रूव होगा हम आपका आगे रजिस्ट्री करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो 10% अप्रोक्स आपको डाउन पेमेंट देना होगा, 21,000 रुपए में आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैट पसंद आ जाता है तो आप विजिट कर सकते हैं इनके ऑफिस में। ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार थोड़ा सा ऑफिस का एड्रेस भी बता दे, कोई आना चाहते कैसे आएंगे? हाँ जी, MM74 DLF अंकुर विहार, गुरमन ब्रदर्स। ठीक है, और लोकेशन के बारे में बताएं एक बार, एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगा अपने फ्लैट का? एग्जैक्ट लोकेशन हमारा DLF अंकुर विहार है, और ये खजूरी करावल नगर के पास पड़ता है, ठीक है, जो कि खजूरी में हमारे यहाँ मेट्रो भी आ रही है, विद इन अ ईयर हमारे यहाँ खजूरी में मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये लोकेशन गाजियाबाद में पड़ता है लेकिन एकदम बॉर्डर पे पड़ता है, बिल्कुल 0 किलोमीटर, बिल्कुल साथ में वॉल टू वॉल टच है हमारा, ठीक है, और मेट्रो भी बहुत जल्दी आपको खजूरी में बन जाएगा, तो काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे। अगर आप फ्लैट देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी फ्लैट मिल जाएगी। और अपने पास क्या फायदा होने वाला है, ऐसे तो बहुत लोग डीलर होते हैं सेल कर रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई आते हैं तो क्या उनको प्रॉफिट होगा? देखिए सबसे पहला सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो सारे फ्लैट्स हैं ये हमारे अपने फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स हैं, ये हम बिल्डर लोग हैं और हम यहाँ पे कोई डीलरशिप नहीं लेते हैं, किसी से कोई ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, कोई बीच में हमारा कमीशन नहीं होता है, डायरेक्ट सेल है हमारी। और अगर यही फ्लैट अगर आप किसी और के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 लाख रुपए महंगा मिलेगा, ठीक है। और इस फ्लैट का बजट क्या रहेगा अपने? ये हमारा जो बजट है इस फ्लैट का वो है 23.5 लाख। 23.5 लाख, ठीक है, कंप्लीट अमाउंट 23.5 लाख होगा, 90% तक लोन हो जाएगा। हाँ जी, अप टू 90% तक, ठीक है, 10% डाउन पेमेंट करना होगा, 21,000 से 51,000 जो बुकिंग रहता है हर फ्लैट में ऐसे ही रहने वाला है, इसमें भी 21,000 रुपए आप बुक कर सकते हैं। बाकी आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो नीचे आपको नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनसे। और आज हम पहले स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी टाइल्स से, देखिए टाइल्स कितनी सुंदर हमने लगा रखी है ये सुपर लग्जरी फ्लैट्स में, काफी बढ़िया ग्रे लुक में आपको टाइल्स दे रखे हैं, ग्रे लुक में टाइल्स दे रखी है। और साइज क्या है, लिविंग एरिया कैसे? 14x10 का साइज है
हमारा लिविंग एरिया का, बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर हमारा शानदार फ्लैट है। और ऊपर इससे ऊपर देखिए फैंसी लाइट्स लगी हुई है, कितना सुंदर फैन लगा हुआ, कितनी सुंदर लाइट्स लगी हुई है, सारा कुछ इंक्लूड है इसमें, देख सकते हैं इंक्लूडेड है ये सब। और ऊपर देखिए ग्रूविंग हो रखी है, ऊपर वुडन वर्क हो रखा है, ऊपर वुडन वर्क हो रखा है, ठीक है, बहुत ही शानदार है। अच्छा, तो सबसे ये जो लगा हुआ एलईडी टीवी पैनल सब लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या वुडन का बना हुआ है क्या सारा? ये सारा वुडन वर्क है, पीछे देखिए इसकी बहुत सुंदर लाइट लगी हुई है। और यहाँ पे आपका जो टीवी केबल का जो हमारा डीटीएच लगा होता है उसके लिए रखने के लिए हमारा, और साथ में आपका स्पेस दे रखा है और लाइट्स स्विचेस दे रखे हैं, और कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे लाइट्स। और देखिए यहाँ पे हमारा वेंटिलेशन भी है, देखिए इसके साथ ही वेंटिलेशन भी है, ठीक है। लिविंग एरिया काफी अच्छी साइज का, अगर आप देखेंगे तो 14x10 का आपको लिविंग एरिया का साइज रहेगा। कितना लंबा लग रहा है, बिल्कुल, और ये देखिए कितना सुंदर टेक्सचर हो रखा है, सामने देखिए टेक्सचर हो रखा है, ठीक है। मेन स्विच यहाँ पे आपको रहने वाला है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग बहुत ही अच्छा दिया गया, लाइटिंग वगैरह लगा के फैंसी लाइट के साथ। इधर भी देखेंगे, इधर देखिए यहाँ पे टू हमारे एक स्क्वायर रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पर हमने एक वॉलपेपर लगवाना है, दोनों साइड पे यहाँ पे वॉलपेपर लगेगा, ठीक है, वॉलपेपर लगा के देंगे। और ये रहेगा अपना कॉमन वॉशरूम लिविंग एरिया में, लिविंग एरिया में हमारा कॉमन वॉशरूम है। कितने देखिए कितना सुंदर वॉशरूम है, टाइल्स के साथ कितनी कितनी सुंदर फिटिंग आएगी। अभी फिटिंग्स थोड़ी पेंडिंग है, जैसे करके देंगे आपको फिटिंग्स प्रॉपर, अच्छी बहुत ही अच्छी फिटिंग्स आपको लगा के देंगे, ठीक है। इसके बाद चलेंगे, हम आते हैं किचन की तरफ। किचन भी देखिए कितनी सुंदर लग्जरी हमारी किचन, मॉड्यूलर किचन हमने बना रखी है। ये देखिए हमारा ये स्पेस बना हुआ है, हमारा रेफ्रिजरेटर का हमारा स्पेस है देखिए, और साथ में ही स्विच दे रखा है, आराम से आप प्लेस कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर अपना चाहे तो। और किचन में देखिए, किचन में देखिए मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन है, और ये सब थोड़ा डस्ट आपको दिख रहा होगा, क्लीन हो जाएगा सारा, अभी बना ही है जस्ट। और ये माइक्रोवेव के लिए स्विच भी रखा हुआ है, ठीक है। और ये पत्थर लगा हुआ है ना सारा, ये मार्बल रखा हुआ है, ब्लैक मार्बल है, ठीक है। अभी धूल मिट्टी है, थोड़ा काम चल रहा है, बिल्कुल लास्ट फिनिशिंग हमारी चल रही है। ये देखिए, और बैक साइड में भी देखेंगे तो पूरी टाइल्स की फिटिंग, टाइल्स की फिटिंग है, ताकि धब्बे नहीं आएंगे जल्दी से आप देखेंगे तो। यहाँ पे देखिए आप खाना वगैरह बनाते हैं, कुछ भी करेंगे ना, आप कुक वगैरह करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, टाइल्स की फिटिंग दे रही है आपको इसमें। और ऊपर काफी अच्छा लग रहा है, ऊपर देखिए, ये देखिए आज हम खोलते हैं, ये देखिए अंदर भी हमने प्रॉपर कितना सुंदर बना रखा है, मैचिंग बिल्कुल हमारे फ्लोर के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे स्पेस, छोटा स्पेस यहाँ पे बहुत स्पेशियस बना रखा है, पूरा वुडन का बना रखा है। और ये देखिए चिमनी की हमारी जगह, और यहाँ पर ऊपर हमारा ये बर्तनों का स्टैंड, ये देखिए वो भी दे रखे हैं, वो भी दे रखा है, वॉश बेसिन है यहाँ पे, और इसके बाद इसके जस्ट फ्रंट में देखेंगे तो ये देखिए वुडन का वर्क हो रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैलरी का साइज दे रखे हैं आपको, और आ जाएगा इसके बाद पहला रूम, पहले रूम में आप आगे आएंगे, आइए घुसते ही लेफ्ट साइड में आपके स्विचेस हैं, ये हमारा यहाँ पर स्विच बोर्ड दे रखा है टीवी के लिए। और ये देखिए साइज एक बार बता दें, रूम का साइज हमारा 10x10 का साइज है, 10x10 काफी अच्छा है, टाइल्स की फिटिंग है पूरी, टाइल्स की देखिए कितनी सुंदर फिटिंग है। और ये हमारा टेक्सचर है, देखिए सुंदर ग्लिटर वाला हमारा टेक्सचर है, सिल्वर कलर, और ऊपर सब जगह देखिए फॉल सीलिंग हो रखी है, फॉल सीलिंग प्लस फैन रहेगा, फैन भी रहेगा, और हर जगह लाइट्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे भी शाफ्ट का एरिया थोड़ा दे रखे हैं आपको, शाफ्ट भी, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट भी है, ठीक है। और ये आपका जो ग्लास देख रहे हैं ना लगा हुआ, ये फ्रंट आपको जो मास्टर बेडरूम होगा उस साइड आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद चलते हैं आपको लेके मास्टर बेडरूम की तरफ, आइए राइट साइड को हमारा मास्टर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बहुत बड़ा, ठीक है। यह हमारा 14x10 का ये भी हमारा साइज है, ये देखिए इसके साथ अटैच बाथरूम भी है हमारा, ठीक है, अटैच वॉशरूम रहेगा। और ये हमारा एलसीडी पैनल लगा, यहाँ पे भी लगवाया है हमने एलसीडी पैनल, सेम वर्क। और ऊपर हम यहाँ पे एक डेकोरेशन के लिए एक पीस लगवाएंगे जिसके पीछे हमारा एक वॉलपेपर लगेगा, ठीक है। और नीचे वुडन लुक में आपको टाइल्स दे रखे हैं देखेंगे तो, और यहाँ पे एक वार्डरोब भी दे रखे हैं अलमीरा, एक बार ओपन करके आपको, इसके साथ आपके अटैच वार्डरोब है, देखिए कितनी सुंदर आजकल के हिसाब से वार्डरोब बनवाई है, अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है। और इसके साथ हमारा अलग से शू रैक भी है, शू रैक भी दे रखे हैं, ठीक है। ऊपर भी स्पेस है, और एक फॉल सीलिंग में आप देखेंगे ना, देखेंगे तो वुडन लुक में काफी अच्छा फॉल सीलिंग बना के दे रहे हैं यहाँ पे, वुडन लुक में हमारा फॉल सीलिंग है, ठीक है। फैन इसमें भी दे रखे हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपको इसमें मास्टर बेडरूम है तो अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम है, यहाँ पे भी थोड़ी फिटिंग्स पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉपर लाइट के मिरर के ऊपर भी लाइट्स लगी हुई हैं, ऊपर बाथरूम की गीजर की फिटिंग दे रखी है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन की जगह दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे साइड पे भी हमने स्टैंड भी लगा रखा है ताकि हम आप अपनी चीजें रख सकते हैं, शैम्पूज वगैरह रखने के लिए। तो अटैच वॉशरूम रहेगा, अटैच आपको बालकनी भी मिलने वाला है, और अटैच बाथरूम बालकनी में जाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे एक जाली का दरवाजा भी लगा रखा है ताकि मच्छर वगैरह अंदर ना आ सके। नेट का दरवाजा आप चाहे तो ओपन करके इसको भी रख सकते हैं। एक और दरवाजा है, मेन दरवाजा जो है आपका ये है भी दे रखे हैं वुडन का, और
अच्छा एक और चीज दिखाएं तो यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखे हैं, ऊपर चाहे तो विंडो एसी लगा विंडो सकते एसी हैं, लगा सकते अब हैं। बालकनी का लुक दिखाते हैं थोड़ा। बालकनी में ये देखिए आपके स्विच भी रखा है, यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, टेक्सचर पेंट है प्रॉपर और टैप भी लगा हुआ है, लोहे का ग्रिल लगा के दे रहे हैं आपको, नीचे पत्थर है। और थोड़ा आपको नीचे का लुक दिखाया ना तो यहाँ पे देखिए रोड आएगा एकदम फ्रंट आपको बालकनी होने वाला है, सामने बिल्डिंग बन रही है, देखिए पूरी सोसाइटी रहने वाला है, देखिए सारा घर बना हुआ है यहाँ पे देखेंगे आप तो। और रोड का क्या साइज है मैम ऐसे यहाँ पे? रोड हर यहाँ पे 40 फुट का रोड है, 40 फुट का रोड है, काफी अच्छा रोड का साइज है, देख सकते हैं कार की भी पार्किंग आराम से मिल सकती है, ठीक है। और फ्लैट के अंदर कार पार्किंग रहेगा इसमें? फ्लैट के अंदर हमारा हमें आपको रजिस्ट्री में हम आपको टू व्हीलर की पार्किंग, टू व्हीलर की पार्किंग अंदर है, अगर चाहे तो बाहर आप फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं आराम से, आराम से बहुत स्पेस है यहाँ, ठीक है।